इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 7, जिसमें हम कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर को हम समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैपेसिटर होता क्या है। पहले हम समझते हैं, कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटर। यानी कि एक कैपेसिटर सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स होता है। इस डायग्राम में दो कंडक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, कंडक्टर वन, कंडक्टर टू। इसे हम एक प्रकार से कैपेसिटर बोल सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। द कंडक्टर हैव चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड पोटेंशियल V1 एंड V2। कंडक्टर के पास चार्ज Q1 है, Q2 है और पोटेंशियल V1 और V2 है अलग अलग कंडक्टर पर। ये एक हमने कैपेसिटर का डायग्राम आपको दिखाया है, जिसमें दो प्लेट लगी हुई हैं और उन पर चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू का, और सेपरेशन उनके बीच में डी है। इस टाइप के कैपेसिटर के बारे में आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। यूजुअली इन प्रैक्टिस टू कंडक्टर हैव चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू विद पोटेंशियल वी इक्वल टू V1 माइनस V2। यानी नॉर्मली होता क्या है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर चार्ज सेम होता है, बस उनके नेचर अलग अलग होते हैं। जैसे एक कैपेसिटर के प्लेट पर प्लस क्यू का चार्ज है तो दूसरे कैपेसिटर पर माइनस क्यू का चार्ज होगा, और पोटेंशियल के बीच का उनका डिफरेंस होगा वी इक्वल टू V1 माइनस V2। टोटल चार्ज होने कैपेसिटर इज जीरो, क्योंकि एक प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू का है, दूसरे पर माइनस क्यू का है। अगर हम एग्रीगेट चार्ज लेते हैं तो वो जीरो आ जाता है। अब देखिए, अब कैपेसिटर को सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए। अगर फिक्स्ड कैपेसिटेंस है तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, दो प्लेट बनाकर, और अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो उनको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में एक एरो बना देते हैं। ये पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन कॉमन डिवाइस कॉल्ड कैपेसिटर। यानी कि हमारा कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसलिए कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस या चार्ज स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कैपेसिटेंस पर। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी रीजन में होती है वो प्रोपोर्शनल होती है चार्ज पर। यानी कि कहीं पर अगर कोई चार्ज रखा है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर डिपेंड करेगी, कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द कंडक्टर टू वन अगेंस्ट द फील्ड। अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने पर, तो उस वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल। अब इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे आगे, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। यानी कि पोटेंशियल बढ़ाना है तो हमें चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा, और जो Q/V का रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि चार्ज और V का रेशियो जो कांस्टेंट है उसको हम कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं C। अब यहाँ पर C कांस्टेंट को ही कैपेसिटेंस बोला जाता है। C डिपेंड्स किस पर कर रहा है? C डिपेंड Q/V पर नहीं कर रहा है। C ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा है, शेप, साइज और सेपरेशन। यहाँ पर हम सी को ये नहीं बोल सकते कि सी Q/V पर डिपेंड कर रहा है। Q/V पर डिपेंड नहीं कर रहा है सी। सी सिर्फ शेप, साइज और सेपरेशन पर डिपेंड करेगा, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। SI यूनिट कैपेसिटेंस की फैराड होती है, एक फैराड होता है इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के सीक्वेंस पर हम अपना डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला है C=Q/V। दिस इक्वेशन शोज दैट फॉर लार्ज C, V इज स्मॉल फॉर ए गिवन Q। अगर हम C को बड़ा कर देंगे तो V स्मॉल हो जाएगा। अगर हम Q को फिक्स रखते हैं तो V को स्मॉल होना पड़ेगा C के इक्वल आने के लिए। दिस मीन्स दैट द कैपेसिटर विद लार्ज कैपेसिटेंस कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज Q एट द रिलेटिवली स्मॉल V। यानी कि V की वैल्यू अगर स्मॉल है तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर किया जा सकता है फॉर ए गिवन C। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर।
यानी कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या है? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अराउंड द कंडक्टर, ये तो हमें पता ही है। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयनाइज द सराउंडिंग एयर एंड एक्सीलरेट द चार्ज सो प्रोड्यूस टू द अपोजिटली चार्ज प्लेट। यानी कि जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सराउंडिंग एयर को आयोनाइज करती है, और आयोनाइज करने के बाद जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, प्लस या माइनस चार्ज जो भी आया, वो अपोजिटिवली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करता है, देयर बाय न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट एट लीस्ट पार्शली। और इससे क्या होता है, जो कैपेसिटर की प्लेट पर पहले से ही चार्ज प्रेजेंट है और अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल एयर से आकर कैपेसिटर पर एक्यूमुलेट कर गया, उससे कैपेसिटर का चार्ज न्यूट्रलाइज होता है कुछ हद तक। इन अदर वर्ड्स, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर लीक्स अवे ड्यू टू द रिडक्शन इन इंसुलेटिंग पावर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। यानी कि कैपेसिटर का चार्ज हमने कैसे रिड्यूस कर दिया, इंसुलेटिंग पावर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मीडियम था एयर, एयर की इंसुलेटिंग पावर को हमने रिड्यूस किया हाई पोटेंशियल लगाकर, उसको आयोनाइज करके इंसुलेटिंग पावर को रिड्यूस किया, उससे क्या हुआ, कैपेसिटर का चार्ज रिड्यूस हो गया। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वो स्ट्रेंथ जिससे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम विदाउट ब्रेक डाउन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सके, उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके अलॉन्ग, और उसमें वो ब्रेक डाउन नहीं होता, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम टूटता नहीं है, तो हम कहते हैं इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है। अब हम बात करते हैं, दस अ कैपेसिटर टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट लीकिंग इट्स कैपेसिटेंस शुड बी हाई इनफ टू दैट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट एक्सीड द ब्रेक डाउन लिमिट। कैपेसिटर में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने के लिए जरूरी है कि उसका कैपेसिटेंस हाई होना चाहिए, जिससे अगर हाई कैपेसिटेंस होगा तो अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस भी उसमें ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में, और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी अगर हम बढ़ा देंगे तो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, इसलिए कैपेसिटेंस हाई होना जरूरी है लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब देखते हैं द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के एक स्पेसिफिक टाइप के बारे में हम बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। लेट ए बी ए एरिया ऑफ प्लेट एंड डी बी द सेपरेशन बिटवीन देम। ए प्लेट का एरिया है और डी प्लेट के बीच की सेपरेशन है। द टू प्लेट्स हैव चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू। प्लेट पर चार्ज कितना है, एक प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू का, एक पर है माइनस क्यू का। द रिजल्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इन्फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट के रिजल्ट से, जिसमें यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी हो। प्लेट वन हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। प्लेट वन की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, सिग्मा वैल्यू है क्यू अपॉन ए, और प्लेट टू की सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस क्यू अपॉन ए। अब फर्स्ट रीजन में देखिए, प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और माइनस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी फर्स्ट रीजन में। अब वैसे ही बात करते हैं सेकेंड रीजन में, यानी कि डाउनवर्ड रीजन, जो नीचे का रीजन है सेकेंड रीजन, उसमें निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है यानी कि प्लेट की तरफ है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट से दूर है, तो उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। डायरेक्शन अलग अलग है तो ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जीरो। अब हम बात करते हैं इनर रीजन की, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब हमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि फर्स्ट रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फर्स्ट रीजन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जा रही है और निगेटिव चार्ज से उसकी तरफ आ रही है। ओवरऑल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो एक ही डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा दोनों का, क्योंकि एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों प्लेट की वजह से हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा होता क्यू अपॉन ए,
तो ये हो जाएगा ओवरऑल Q अपॉन एप्साइलन नॉट ए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट, ये हमें सबको पता ही है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे, नाउ फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज V इक्वल टू E इंटू डी। पोटेंशियल का फार्मूला ये हमें पता है, V इक्वल टू E इंटू डी होता है। E हम निकाल चुके हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D का मल्टीप्लाई सिंपली हमने किया इसमें। द कैपेसिटेंस C ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज देन, अब कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब इसमें जब हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो Q अपॉन V की फाइनल वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी कि C की वैल्यू आ गई A epsilon naught upon D, which as expected depends only on the geometry of the system। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे, कैपेसिटेंस शेप साइज वगैरह पर डिपेंड करता है, यानी कि ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, यानी एरिया आपका बड़ा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा है, और उनके बीच का सेपरेशन बड़ा है तो कैपेसिटेंस कम है, यानी कि कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटर की कैसी ज्योमेट्री है। अब इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, यानी कि अब कैपेसिटेंस पर डाइइलेक्ट्रिक क्या असर डालता है उसे हम पढ़ेंगे। जैसे कि यह डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, इसके बीच जो रखा हुआ है उसे बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक में हम पढ़ चुके थे, डाइइलेक्ट्रिक में चार्ज पोलराइजेशन कैसे होता है, जो प्लस क्यू होता है उसके साइड में माइनस इंड्यूस हो जाता है चार्ज, और जो माइनस क्यू का प्लेट होती है उसके साइड में डाइइलेक्ट्रिक पर प्लस क्यू का चार्ज इंड्यूस हो जाता है। कंसीडर ए डाइइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स फुली ऑक्यूपाइंग द इंटरवेनिंग रीजन, द डाइइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड बाय द फील्ड। अब हमने डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया हुआ है जो कि फुली इंटरवेनिंग मीडियम को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब इसमें क्या है, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि कैपेसिटर से चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड होएगा। द इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज शीट एट द सरफेस ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक नॉर्मल टू द फील्ड विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी। डाइइलेक्ट्रिक की दोनों सरफेस पर चार्ज इंड्यूस होगा, वो चार्ज इंड्यूस कितना होगा, निगेटिव कैपेसिटर की प्लेट जहां पर है वहां डाइइलेक्ट्रिक पर चार्ज प्लस सिग्मा क्यू इंड्यूस हो गया, और जहां पर कैपेसिटर की प्लस क्यू चार्ज की प्लेट है वहां पर डाइइलेक्ट्रिक पर माइनस सिग्मा पी चार्ज इंड्यूस हो गया। अब हम देखते हैं, जैसे कि ये डायग्राम दिखाई पड़ रहा है हमारा, इस पर साफ दिखाई पड़ रहा है जो डाइइलेक्ट्रिक है उसकी एक प्लेट पर माइनस सिग्मा पी का चार्ज है और दूसरी प्लेट पर प्लस सिग्मा पी का चार्ज है। अब जो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी वो डिपेंड करेगी पहले तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर, फिर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अब हमारा जो सिग्मा चार्ज है वो कैपेसिटर पर था, और माइनस सिग्मा पी यानी कि जो डाइइलेक्ट्रिक की प्लेट पर चार्ज है वो माइनस सिग्मा पी का चार्ज है, यानी कि कैपेसिटर के चार्ज की वजह से और जो सिग्मा पी का चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता चल गई दोनों के बीच में कितनी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू ई इंटू डी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यानी कि डिस्टेंस जो इनके बीच की डिस्टेंस है सिग्मा माइनस सिग्मा पी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो गया पोटेंशियल। अब लीनियर डाइइलेक्ट्रिक के केस में हम सिग्मा पी को प्रोपोर्शनल मानते हैं ई नॉट के, यानी कि अगर E नॉट ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा चार्ज पोलराइज्ड होगा और उतना ही ज्यादा चार्ज डाइइलेक्ट्रिक की सरफेस पर इंड्यूस होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर E नॉट। अब E नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, ये सिग्मा पर डिपेंड कर रही है, यानी कैपेसिटर की जो चार्ज प्लेट थी उस पर कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उस पर E नॉट डिपेंड कर रही है। तो ओवरऑल क्या हो गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, एंड वी कैन राइट सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। यहाँ पर के जो है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब देखते हैं के जो कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, यानी कि के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइइलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन कर रहा है, और के की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी होती है।
अब हम सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, डी को वैसा ही रहने देते हैं, एप्सिलॉन नॉट के और पुट कर देते हैं। द कैपेसिटेंस सी विद डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इज देन सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अब ये बी हमारा जब निकल आया तो सी क्या होता है, क्यू अपॉन बी होता है। अब हम इस V को पुट करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, यानी कि ओवरऑल हमने देखा जो पिछला कैपेसिटेंस था जहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक पुट नहीं कर रहे थे उस केस में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के बाद के नहीं आ रहा था, अब एक नई चीज़ यहाँ पर आएगी के इंड्यूस होगा एप्सिलॉन नॉट के बाद में। इसको हम समझ सकते हैं द प्रोडक्ट एप्सिलॉन नॉट इंटू के इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इट इज डिनोटेड बाई एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन नॉट के जो है उसे हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कह रहे हैं। नया टर्म है, याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा आप। अब इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब बाई पुटिंग दीज वैल्यूज वी कैन गेट, अब इन सब वैल्यू को मैं पुट करके क्या पता कर सकता हूँ, के इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। जब आप C डिवाइड बाई सी नॉट करेंगे, C ये है C नॉट बिना डाइलेक्ट्रिक के केस में था, जब उनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा K इक्वल टू C अपॉन सी नॉट। ये रिजल्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज, यानी कि कैपेसिटर जब हमारे सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट का मतलब एक कैपेसिटर के बाद दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट है इन द सीरीज, जैसे हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते थे वैसे ही हम यहाँ पर कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इफ वी कनेक्ट टू कैपेसिटर इन सीरीज चार्ज वुड फ्लो अंटिल द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर सी वन एंड सी टू इज जीरो। जब तक इन दोनों कैपेसिटर के पर नेट चार्ज जीरो नहीं हो जाएगा, यानी कि क्यू और माइनस क्यू एक कैपेसिटर पर बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक नेट चार्ज फ्लो होता ही रहेगा। दस इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन टू कैपेसिटर प्लेट प्लस माइनस क्यू आर द सेम ऑन ईच कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर की चार्ज प्लेट पर प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक कैपेसिटर पर सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप बी वन एंड बी टू अक्रॉस सी वन एंड सी टू, यानी कि सी वन के अक्रॉस पोटेंशियल होगा बी वन और सी टू के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा बी टू, जब हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तब। और ओवरऑल अगर पोटेंशियल हमने वी माना है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी वन और बी टू में, तो ये वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू की तरह हम लिख सकते हैं। तो अब पुट करिए वैल्यू, वी वन हो जाएगा क्यू अपॉन सी वन, वी टू हो जाएगा क्यू अपॉन सी टू, यानी कि ओवरऑल वी अपॉन क्यू इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू हो रहा है। और यहाँ पर हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ले रहे हैं सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी कि इन दोनों कैपेसिटर को मिला के हमने एक इफेक्टिव कैपेसिटर बनाया है जिसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद जो कैपेसिटेंस आता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस वो वन अपॉन C इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू होता है। अब इसी रिजल्ट को हम सिमिलरली एक्सटेंड करेंगे अगर n कैपेसिटर के लिए तो ये आ जाएगा वन अपॉन C इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री डैश 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 वन अपॉन सी एन। कैपेसिटर इन पैरेलल, यानी कि जब कैपेसिटर हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं, ये डायग्राम देखिएगा, यानी कि एक पॉइंट से दो कैपेसिटर कनेक्ट हैं, इस पॉइंट से दो कैपेसिटर कनेक्ट हैं, वैसे यहाँ से भी दो कैपेसिटर कनेक्ट हैं, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल वी कॉन्स्टेंट है। In this case, the same potential difference is applied across both the capacitor, but the plate charge plus minus Q1 on capacitor 1 and the plate charge plus minus Q2 on the capacitor 2 are not necessarily the same. Use करेंगे चार्ज का कंजर्वेशन, यानी कि Q1 equal to C1 V, Q2 equal to C2 V, यानी Q1 कितना हो सकता है C1 V और Q2 कितना होता है C2 V, ठीक है, सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं।
अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा जिस पर चार्ज होगा क्यू का, और वो क्यू का चार्ज कितना होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू के बराबर होगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस उस इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर कितनी होगी, वी की होगी। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे क्यू इक्वल टू सी वी, यानी कि सी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू, यानी कि सी वन वी प्लस सी टू वी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, यानी कि जब कैपेसिटर पैरेलल में है तो किस प्रकार से ऐड हो रहे हैं, सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू के फॉर्म में। अब यहीं पर इस पैटर्न को हम एन कैपेसिटर के लिए एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जब एन कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस टेस्ट 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 प्लस सी एम। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसकी बात करेंगे हम। अब जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है, यानी कि अगर हम कोई छोटा सा चार्ज प्लस डेल्टा क्यू का चार्ज माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ ला रहे हैं तो हमें कोई वर्क करना पड़ेगा, छोटा सा ही वर्क करना पड़ेगा लेकिन वर्क जरूर करना पड़ेगा, उसी को हम यूज करके यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे। इमेजिन दैट ए स्मॉल चार्ज प्लस डेल्टा क्यू डैश इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंडक्टर टू टू वन, वर्क डन इन स्टेप डेल्टा डब्ल्यू डैश रिजल्टिंग इन द चार्ज क्यू डैश ऑन कंडक्टर वन इंक्रीजिंग टू क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश इज गिवन बाई। अब ये कितना होगा वर्क डन, छोटे से चार्ज को इधर से उधर लाने में डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा वी डैश डेल्टा क्यू डैश इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी डेल्टा क्यू डैश, क्योंकि वी डैश होता है क्यू डैश अपॉन सी और डेल्टा क्यू डैश का हमने मल्टीप्लाई किया है सिंपल। सिंस डेल्टा क्यू डैश कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक कैन बी रिटेन एज, अब हम डेल्टा क्यू डैश को जितना मर्जी उतना स्मॉल ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि डेल्टा क्यू डैश का चार्ज हम जब वन प्लेट पर ला रहे हैं तो ये वन प्लेट पर ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश। इस क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश टर्म को हमें रखना है यहाँ पर, इसको स्क्वायर किया हुआ है माइनस क्यू डैश का स्क्वायर किया हुआ है, यानी कि जब हम ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो एक टर्म आएगा टू क्यू डैश इंटू डेल्टा क्यू डैश, ये टर्म तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यू डैश स्क्वायर माइनस क्यू डैश स्क्वायर का, एक एक्स्ट्रा टर्म और आएगा डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर। डेल्टा बहुत छोटा होता है इसलिए हम उस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर 2 आया लेकिन इस फॉर्मूले में 2 ऊपर है नहीं तो हमें नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का 2 कैंसिल हो जाए इसलिए। अब देखते हैं द टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज द सम ऑफ स्मॉल वर्क डेल्टा डब्ल्यू ओवर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग द चार्ज क्यू डैश फ्रॉम जीरो टू क्यू, यानी कि क्यू डैश का चार्ज हम बिल्ड कर रहे हैं जीरो से क्यू का, क्यू डैश पर कोई चार्ज था पहले जीरो ही मान लीजिए, उसको जीरो से हम क्यू लाए और इसको माइनस क्यू पर ला रहे हैं तो उसको वर्क करने पर हमें कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए, क्यू और माइनस क्यू को लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो देखते हैं। वो टोटल वर्क होगा, वो सम होगा इन छोटे छोटे स्मॉल वर्क्स का, स्मॉल वर्क कितना है डेल्टा डब्ल्यू, अब इनका सम करना है ओवरऑल स्टेप्स में तो हम समेशन का साइन बना देंगे। अब इनको सम करने के लिए क्या करना है, अब इनिशियली प्लेट वन पर था जीरो चार्ज, अब हमने इस पर धीरे धीरे चार्ज डालना शुरू किया डेल्टा क्यू डैश का चार्ज, तो यानी कि इस फार्मूले में हम क्यू डैश को पहले जीरो लेकर चलेंगे, फिर हम क्यू डैश को डेल्टा क्यू डैश का चार्ज एक्स्ट्रा देंगे, फिर डेल्टा क्यू डैश का चार्ज एक्स्ट्रा देंगे, तो यानी कि पहले इनिशियल कंडीशन क्या है, क्यू डैश को हमने माना था जीरो तो ये आ गया डेल्टा क्यू डैश माइनस जीरो। अब हम धीरे धीरे वन प्लेट पर डेल्टा क्यू डैश का चार्ज देते जा रहे हैं तो ये ऐड हो जाएगा क्यू डैश की जगह डेल्टा क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश ऐसे आता रहेगा तो ये टू डेल्टा क्यू डैश, अब ये क्यू डैश की जगह डेल्टा क्यू डैश रखा हुआ है, वैसे सिमिलरली ये ऐड होगा थ्री क्यू डैश का स्क्वायर माइनस टू क्यू डैश का स्क्वायर। फाइनल कंडीशन क्या होगा, जब क्यू डैश का चार्ज क्यू हो जाएगा और ये सेकेंड प्लेस पर चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा तब कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उस एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। अब फाइनल कंडीशन एक ऐसी आएगी जब क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश मिलके क्यू का चार्ज स्टोर कर देंगे प्लेट वन पर, तब वैसे वो सिचुएशन में हम वैल्यू जब पुट करेंगे तब ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस डेल्टा क्यू का स्क्वायर
ब्रैकेट बंद करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब ये आएगा 1 अपॉन 2c क्यू स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं। और सिंपल अगर हमें इसे सॉल्व करना है, ये सब नहीं करना है, तो इसका सिंपल तरीका है, यहाँ पर जो w है डेल्टा w इक्वल टू v डैश डेल्टा q डैश इक्वल टू q डैश अपॉन c डेल्टा q डैश, इसको हमें यहीं पर इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट लगा देनी है 0 से q। जब हम लिमिट लगा के इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन c को बाहर ले लेंगे, q डैश स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगाएंगे 0 से q। अब जब हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो q स्क्वायर अपॉन 2c आ जाएगा वर्ग। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एग्रीगेट फार्मूला बना सकते हैं इसका, क्योंकि w इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ गया। अब जब हम q की जगह c इंटू v रखेंगे तो ये आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे c की जगह q अपॉन v रख दीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 q इंटू v। w के तीन फॉर्म बन गए हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इक्वल टू 1 अपॉन 2 सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू वी। ये याद करने वाली चीज है, ये फार्मूले याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।